जय हिंद ओल, कैसे आप सब दोस्तों। मैं स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम एक्सपर नॉलेज। तो गाइस फाइनली आप सबके लिए वीडियो आ चुकी है आईटीबीपी किचन सर्विसेज के ऊपर। बहुत सारा कमेंट है कि सर हमारा जो सर इसमें सर्टिफिकेट बनता है NQSF का, सर कैसे बनवाना है, सर इसमें हाइट कितनी मांगते हैं, सर चेस्ट कितनी मांगते हैं, और सर कट ऑफ क्या जाती है हमारी। एक मेन डाउट एक और आपका इसमें आता है, सर इसमें वजन कितना मांगते हैं। तो भाई मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं। अगर आप आ चुके हो एक्सपर्ट नॉलेज पे, भाई आप एकदम अच्छे चैनल पे आए हो भाई, जहां आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। टेंशन आप सबको नहीं लेनी है भाई, कैसे आपको कैसे सर्टिफिकेट बनवाना उसके रिगार्डिंग बात करूंगा भाई। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना है आपको। तो गाइस बात करते हैं भाई आपके सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। आपको पता है दोस्तों आपकी जो जॉब है भाई ये गवर्नमेंट जॉब है, कोई प्राइवेट फील्ड में आप वर्क नहीं करोगे। यहाँ पे ITBP भाई आपके एक पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, आपको पता है ITBP, CISF, BSF ये सब आपकी पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं, गवर्नमेंट सर्विस है आपकी। भाई मैं YouTube पे देख रहा था गाइस, बहुत सारा कमेंट है वहाँ पे, बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं भाई आप ऑनलाइन बनवाओ, ऑनलाइन आपकी ट्रेनिंग होगी। भाई ऑनलाइन ट्रेनिंग कैसे हो सकती है यार, आप खुद देखो भाई, आप ऑनलाइन खाना बना दोगे क्या? नहीं बनाओगे ना। तो भाई लेकिन मतलब वही बात है भाई, पब्लिक को बस पता नहीं क्या है, लेकिन भाई आपको मतलब क्या है भाई, आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, ऐसा बनवाना जो आपका चल जाए, ऐसा बनवाना जो आपके आगे काम आए, ऐसा बनवाना है भाई आप फेल ना हो, ऐसा बनवाना भाई आपके सपने साकार हो जाएं, ठीक है। तो गाइस देखिए सर्टिफिकेट बनाने के लिए भाई आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें भाई आपको गूगल पे जाना है, यहाँ पे भाई फिलअप करना है आपको NSDC। NSDC सर क्या होता है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट क्या कहते हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये भाई आपका NSDC होता है, ठीक है। ये भाई आपका हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, आप जैसे आप कहीं से बिलोंग करते हो, आप हरियाणा से हो, यूपी से हो, आगरा से हो, आप राजस्थान से हो, आप हिमाचल प्रदेश से हो, आप कहीं से बिलोंग करते हो भाई, ये संस्था आपके पास आपके आसपास पक्का होगी। आपको भाई गूगल पर डालना है NSDC, ये फिलअप करके भाई आपकी भाई डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको डाल देना है भाई। इनके जब जो भाई सेंटर्स होते हैं आपको भाई खुद वहाँ जाना है, वहाँ बोलना है कि सर मेरे फॉर्म निकले हुए हैं सर ITBP के, सर मुझे सर्टिफिकेट बनवाना है भाई। आपको आपकी 10th की मार्कशीट फोटो, ठीक है, और गाइज आपका आधार कार्ड, ये सब आपको लेके जाना है दोस्त। आपका वहाँ पे भाई KYC होगा, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वहाँ पे होने वाला है। आफ्टर भाई आपको 2500 से 3000 आपको भाई पे करना है वहाँ पे आपके सर्टिफिकेट के, आपके ट्रेनिंग के, ठीक है। वो भाई आपका खर्चा लगेगा यार, फ्री में कुछ नहीं होता दोस्त, आपका खर्चा लगेगा वहाँ पे। आप जाके विजिट करना भाई आपकी जो संस्था आपके आसपास होगी NSDC की, ठीक है, जो भाई आपको अप्रूवल करेगी आपके सर्टिफिकेट को। आपको भाई आई थिंक भाई इसमें जो 15 से 20 दिन आपकी ट्रेनिंग चलेगी भाई, 15 से 20 दिन की ट्रेनिंग के बाद 22 से 25 दिन के आसपास आपका जो सर्टिफिकेट भाई आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा भाई, आपके डाक आपके घर पे भी आ जाएगा। टेंशन आप सबको नहीं लेनी है भाई, सर्टिफिकेट आपको इस प्रकार से बनवा लेना है गाइस। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है। अगर आपको दोस्तों समझ में नहीं आया हो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट दोबारा से इस वीडियो को रिपीट कीजिएगा, आपको भाई पक्का समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको क्या बोला है। आपको भाई NSDC संस्था में जाना है, विजिट करना है, फोटो लेके जाना है, आपका 10th की मार्कशीट, और गाइस आपका आधार कार्ड लेके जाना है, ऑनलाइन आपका KYC होगा। 15 से 20 दिन भाई आपकी ट्रेनिंग चलेगी, 2500 से 3000 रुपये आपका वहाँ पे लग जाएगा, आपको फीस पे करना पड़ेगा गाइस। 15 से 20 दिन के बाद भाई आपका सर्टिफिकेट बन के आपके घर पे भी आएगा, आपके व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा भाई, वो आपका मान्य होगा भाई। NSDC किसे भाई अप्रूवल होना चाहिए इस बात पे ध्यान दीजिएगा, तो ही आपका वैलिड है NSDC, ठीक है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये भाई आपकी संस्था जो कि गवर्नमेंट से मान्य है, ठीक है। आगे दोस्तों बात करते हैं हाइट सर इसमें क्या, भाई आपकी हाइट कितनी मांगते हैं, 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। जनरल OBC SC के लिए 165 सेंटीमीटर, गर्ल्स के लिए भाई 155 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिएगा। जो भाई आपकी चेस्ट है मेल के लिए 75 से 80 आपकी चेस्ट होनी चाहिए, 75 बिना फुलाई, मतलब कि 80 फुला के, मतलब कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका जरूरी है, ठीक है। और जो मेरे भाई बंधु ST कास्ट से हैं आपकी जो हाइट है 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। और जो गर्ल्स की जो हाइट है आपको पता है 150 सेंटीमीटर ST में मांगते हैं, ठीक है। और भाई चेस्ट यहाँ पे नॉन एप्लीकेबल है, गर्ल्स के लिए आपको चेस्ट में पास कर देंगे गर्ल्स को, लेकिन बॉयज की चेस्ट को मापा जाएगा, ठीक है। आगे हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे भाई आपके PET के बारे में, फिजिकल एक्सरसाइज टेस्ट के बारे में। आपकी भाई यहाँ पे रेस होने वाली है 1600 मीटर, जो आपको क्लियर करनी है 7:30 में बॉयज़ को। बात करूँ मैं गर्ल्स के बारे में, गर्ल्स की यहाँ पे रेस होने वाली है 800 मीटर, जो आपको क्लियर करनी है 4:45 में, ध्यान दीजिएगा मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। वजन भाई आपका हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अगर आपका वेट 50 से नीचे है तो भाई आप डिसक्वालीफाइड हो सकते हो, अगर आपका वेट 40 से नीचे है फीमेल का तो आप डिसक्वालीफाइड हो सकते हो। भाई आपका वेट है, मेरी बहनों का वेट 40 से प्लस होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर। आगे हम दोस्तों बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। भाई आपको पता है वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और भाई NSQF का सर्टिफिकेट भाई नहीं बन पाएगा यार, नहीं बन पाओगे, मुझे पता है मेरे भाई बंधु मेरी बातों पे इतना गौर करेंगे, मेरी जो वीडियो देख रहे हो तो बनवा लेंगे, लेकिन भाई बहुत सारे बंदे ऐसे जिनको नहीं पता कैसे बनेगा, तो भाई कट ऑफ आपकी बहुत कम जाएगी। आपको 60-70 के अराउंड बस क्वेश्चन सोल्व करना है भाई,
बाकी काम आपका हो गया, आप भर्ती हो जाओगे इसमें, टेंशन आपको नहीं लेनी है भाई। आपकी क्लास अगर आपको स्टार्ट करवानी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट करवा दूंगा। और गाइस देखिए, ध्यान दीजिए भाई, ऐसी भर्ती बार बार नहीं आती है दोस्त, आपको मेहनत करनी है, जो पढ़ेगा वही लगेगा। हवा हवा में तीर मारने से कुछ नहीं होता भाई, आपको पढ़ना पड़ेगा, जब पढ़ोगे तो ही लगोगे। तो गाइस थैंक यू सो मच, मैं उम्मीद करूँगा भाई आपको मतलब भाई वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ भी आपका डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो।